बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अब्र रहमत और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज मनान। नाज़रीन, इस्लाम और कुरान पर एतराज़ात करने वाले मुस्तशरकीन को हमेशा हमारे स्कॉलर्स ने बड़े भरपूर अंदाज में जवाब दिया है। आज जिस शख्सियत के साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो कैसी शख्सियत हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी तहकीक पेश की और फिर मुस्तशरकीन के वहां पर मौजूद इतराजात के जवाब दिए। आप राइटर हैं, आप मुहक्कक हैं, प्रोफेशन के लिहाज से आप पायलट हैं और इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया मलेशिया और कतर यूनिवर्सिटी के जो जर्नल्स और रिसर्च पेपर शाया होते हैं आप उनका रिव्यू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब राशिद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका जो है सबसे पहले शायद मेरे पास वो अल्फाज ना हो, मेरी गुजारिश है कि आप अपना जो तारफ है वो इजमाली अंदाज में वो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को कराइए ताकि आपकी जो इल्मी कद और काठ है उससे हमारे नाजरीन जो हैं वो वाकिफ हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल। इनफैक्ट जो मेरा तहकीकी काम है वो प्राइमरीली जो ओरिएंटलिस्ट है या मुस्तशरकीन जिनको कहा जाता है उनके जो एतराजात हैं जो कुरान और हदीस के ऊपर हैं उनके ऊपर मैंने 2016 ऑनवर्ड तहकीक की और उसके जो उनके जो एतराजात थे उनके आजकल के लिहाज से जदीद तरीन तकाजों के मुताबिक जो दलाइल दिए और उनको फिर जो वर्ल्ड रिनाउंड रिसर्च जर्नल्स हैं उनके अंदर पब्लिश करवाया। और जो सबसे पहले मेरा जो तहकीकी मकाला था वो था सूरतुल कहफ के ऊपर जो ओरिएंटलिस्ट के एतराजात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनका जवाब दिया। और ये मेरा जो था तहकीकी मकाला ये यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया के ब्रिल्स के अंदर पब्लिश होने वाले जर्नल के अंदर 2017 जून में पब्लिश हुआ। तो ये पब्लिश होने के 2 महीने के अंदर अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे कांटेक्ट किया और दे इनवाइटेड मी कि मैं उधर जो उनका बिब्लिकल कॉलेज है वहां पे उनके जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ बैठूं और इस मकाले के जो असरात हैं और जो तहकीक है इसके ऊपर उनके साथ डिस्कशन करूं। इस कैपेसिटी में मैं फिर अगस्त 2017 में उनके पास गया और वहां पे मैंने उनके जो स्कॉलर्स थे क्रिश्चियंस थे और ज्यूस थे जो उन्होंने पूरी दुनिया से बुलाए हुए थे तो उनके साथ मैंने बैठ के उनके एतराजात के मुदलल जवाबात वहां पे दिए और इस तहकीक के को दोबारा दर्जे असनाद वहां से कबूल करवाया। तकरीबन लगभग कोई 200-300 और जवाब इसमें दिया। तो उसके बाद फिर जारी बात है ये काम बहुत बड़ा था और ये अंग्रेजी में हो रहा था तो इसको फिर मैंने किताबी शक्ल में 2 किताबों की शक्ल के अंदर वहां पे जारी करवाया। और जिस तरह आपने जिक्र किया तो एक बुक जो मेरी है वो अमेजोन में बेस्ट सेलिंग के अंदर चली गई और उसको काफी ज्यादा जो है स्टडी किया जा रहा है और पढ़ा जा रहा है और इसी बदौलत जो दुनिया का सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और दे टोल्ड मी कि मैं जो सूरह कहफ के ऊपर उनका जो आर्टिकल है 3rd एडिशन के अंदर उसको मैं रिव्यू करूँ और उसको मैं चेंज करूँ। तो उसके ऊपर मैंने काम किया हालांकि वो उन्होंने लेटेस्ट स्टेज के ऊपर बिकॉज ऑफ प्रेजुडिस या जो तासुब होता है जो जारी बात है पाया जाता है इस्लाम के मुतल तो उसमें उन्होंने कुछ एतराजात लगाए मैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये फिल वक्त तक तो BA या बाकी जैसे जैसे आपके सवालात चलते हैं तो मैं फिर आपको इसका जवाब देता जाता हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा मोहतरम कि सूरह काफ पर जो मुस्तशरकीन के इतराजात हैं उनकी क्या नोयत थी? जी सर, इनफैक्ट ये है कि आपको पता है सूरतुल कहफ जो कुरान पाक की बड़ी ही एक अहम सूरत है और इसके अंदर जो वाकयात हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी के अंदर ता क़यामत तक के जो उस मुस्तफीद होने के लिए मुसलमानों को बताया गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम मुसलमानों के लिए गाइडेंस है कि ये दौरा फितन के अंदर फितनों से बचने के लिए तमाम मुसलमानों के ऊपर ये वाजिब है कि वो इसको हर जुमा में सूरह कहफ की तलावत करें। तो इसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो 7 स्लीपर ऑफ द केव या जो असहाबुल कहफ का वाकया है उसके ऊपर यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा तनकीद हुई और नकद किया। जो मुस्तशकीन थे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस के ऊपर और ये जो तनकीद थी ये उनके मनसब के हिसाब
भी वो शायान शान नहीं थी। और सबसे जो अहम, जो जिसने मुझे अट्रैक्ट किया और जो मुझे जिस चीज का जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो ये था कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एकेडमिक फोर्जरी का इल्जाम लगाया, नाउज बिला। तो ये जो एकेडमिक फोर्जरी का जो इल्जाम है ना, ये बीइंग मुस्लिम किसी भी जो मुसलमान है उसके लिए काबिल कबूल नहीं है। वो इस तरह कि ये तो हमें पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में तिजारत की गर्ज से शाम का सफर किया, तो शाम में जारी बात है वो तिजारत के लिए अपने चचा के साथ गए और फिर वो वापस आ गए, और जो उनकी मनसब नबूवत के ऊपर वो फायज, वो 40 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए। तो ये जो यूरोप के जो मुस्तरकीन थे या जो एतराज करने वाले थे, उन्होंने सूरह कहफ के अंदर ये बहुत बड़ा एतराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस के ऊपर लगाया, और ये मुसलसल एतराज है जो पिछले 600-700 साल से चल रहे हैं। और इसको सबसे ज्यादा तकवीत दी उनके जो इंग्लैंड के बहुत बड़े हिस्टोरियन है एडवर्ड गिबन, उन्होंने राइज एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के अंदर इसका बड़ा मुदल्लल तरीके के साथ जिक्र किया। उन्होंने ये एतराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लगाया कि ये जो आपके नबी, नाउज बिल्ला, मैं उनकी बात उर्दू में कोट कर रहा हूँ, कि मोहम्मद ने ये बात शाम में सुनी और बाद में कुरान के अंदर एज अ रेवल्यूशन दाखिल कर दी। जी तो ये ईसाई रवायत थी, और ये ईसाई रवायत जो है मोहम्मद ने शाम के काफिलों में सुनी, और बाद में जब उन्होंने जो है कुरान पाक के अंदर इसको एज अ मुस्लिम रवायत जो है दाखिल कर दिया। तो ये जो है ये एकेडमिक फोर्जरी का बेसिकली इल्जाम है, इसकी नोयत ऐसी है। तो इसके ऊपर फिर मैंने इसका उनको मुदल्लल जवाब दिया। इन इतराजात के ऊपर जो जवाब आपने दिए हमारे नाजरीन को, मुख्तसरन आपने एक तो वो जवाब देने, फिर टोटल जो बोलती उनका जो इतराजात थे उनके ऊपर जो टोटल कंट्रीब्यूशन है आपकी तरफ से एज इस्लामिक रिसर्चर स्कॉलर, वो आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है उसके वाले से भी हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा जो है ना वो गाइड कीजिएगा। अच्छा सर, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले तो जो नाजरीन है उनको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एतराजात जो हमारे किसी एकेडमिक बुक के अंदर मौजूद नहीं है, जिनको हम लोग जो आम सामेईन है वो इसको उन उनकी इनकी इस तक एक्सेस नहीं है। तो अलबत्त अंग्रेजी में जो रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों ने इसके ऊपर पिछले पाँच, जिसका मैंने पहले बताया कि 500-600 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ये जो इस्लामी मुहक्किक हैं, ये जो इस्लामिक रिसर्च करने वाले हैं, उन लोगों को इस चीज का इदराक था कि ये इस सूरह कहफ के ऊपर जो यूरोप की तरफ से ये एतराज आ रहा है और मुसलसल आ रहा है, और हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं था जा रहा। और मैं इसमें एक चीज बड़े वाजे अल्फाज के साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने तकरीबन तमाम तफासीर मुसलमानों की, जो मुताखरीन और जो लेटेस्ट तफासीर है, उनका जायजा लिया और उनको लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसका मुताला किया, और इसको मैंने स्टडी किया क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। तो मुझे किसी भी तहकीक के अंदर इसका कोई सूरह कहफ की जो भी एक्सीजेसिस है या तफासीर है उनके अंदर मुझे इसका किसी मुसलमान मुफस्सिर की तरफ से इन एतराजात का जवाब नहीं मिला, सिवाय जो पीर करम शाह है उनकी, जो पीर करम शाह जो उनकी तफसीर है उसके अंदर उन्होंने बड़े ही वाज़े अल्फाज के अंदर जिक्र किया कि जो सूरह कहफ में असाबुल कहफ है इससे कि ईसाई ट्रेडिशन की नोयत के ऊपर यूरोप ने और एडवर्ड गिब्बन ने इसके ऊपर इल्जाम लगाया, और ये सवाए तासुब के ये कुछ भी नहीं है। मतलब ये सिर्फ पीर करम शाह ने इसका जिक्र किया, बाकी किसी मुफसर ओल्ड या रियू किसी भी तफसीर के अंदर इस चीज का जिक्र हमें नहीं मिलता। तो ये एक इसका दूसरे अल्फाज के अंदर मतलब यह था कि शायद जो हमारा जो रिसर्च वोकैबलरी थी या जो हमारा रिसर्च एसेट था उसको ये एक्सेस नहीं थी कि इसका जवाब कैसे दे रहे। तो मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की, और इसके ऊपर मैंने जो ये ब्रिल्स का जो वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलरशिप पब्लिशिंग वो है इंस्टीट्यूशन है, मैंने उनसे रब्ता किया, उनका जो यूनिवर्सिटी है बलाया से जो रिसर्च जर्नल छाया होता है वहां पे मैंने इसका जवाब देना शुरू किया। और इसके लिए मैंने बुनियादी तौर के ऊपर एक जो पैमाना तय किया, बेसिकली जो मेरा पहला मकाला था ना जिसके अंदर मैंने एक पैमाना सेट किया कि जो जितनी भी इसराइली रवायात है, ये जो ट्रेडिशन है, उनका जवाब देने का क्या मियार होना चाहिए। उसमें उस पैमाने के अंदर मैंने ये बताया कि जो 5 प्रॉन्ग जुक्स्टापोजिशन अप्रोच हमें अडॉप्ट करनी चाहिए इसराइली रवायात को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए कुरान और हदीस के मुताबिक, जिसके अंदर सबसे पहले हमें रोमन हिस्ट्री का पता होना चाहिए, हमें क्रिश्चियन सेकंड टेंपल जुदाइज्म का पता होना चाहिए, फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियनिटी का पता होना चाहिए, फिर डेड सी स्क्रॉल्स जो 1947 में कोई 900 के करीब जो मखतूतात मिले थे उनका हमें पता होना चाहिए, और फिर कुरान का पता होना चाहिए, तब जाके हमें ये पता चल सकता है कि आया ये ईसाई रवायत ठीक है या गलत है,
उसी को पैमाना बना के मैंने इनकी बहरे मुर्दार की जो ट्रेडी जो मखतूतात है उनमें से मैंने कुछ मकाले ऐसे निकाले, जो कुछ ऐसे जो है रेफरेंस निकाले, जिससे मैंने ये साबित कर दिया कि ये बुनियादी तौर के ऊपर ईसाई रवायत ही नहीं है। तो आप लोगों का ये इतराज़ कि हज़रत सल्लम ने ये ईसाई रवायत जो है शाम से उठाई थी और नाउज़ बिल्ला कुरान में दाखिल की थी, उसको मैंने इस तरह रिजेक्ट कर दिया। तो रोमन हिस्ट्री के जो वो उनकी जो मुस्तनद बुक्स हैं उनमें से रेफरेंसेस निकाले, फिर कुरान का जो बात कर रहा है उसमें से रेफरेंस निकाला, फिर जो सबसे लेटेस्ट जो उनके पास डेड सी स्टार्स जो 2000 साल के बाद उनको किताबें मिली हैं उनके अंदर रेफरेंस थे, जिनको मैंने सामने रख के इस पूरे के पूरे जो उनके एतराज है उसको टर्न डाउन कर दिया। और जिसके ऊपर विदिन 2 मंथ जो है यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड वाले हैं उन्होंने मुझे वहां पे बुलाया कि जी आप आपके आके हमसे मिले। जी जी, सर अभी बहुत सारे सवाल हमारे बाकी हैं, लेकिन हमारा चूंकि आज का प्रोग्राम का वक्त जो है वो इतना ही है। इंशाल्लाह किसी अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, और बहुत सारे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी क्या बातचीत हुई, फिर जो आपकी ये जो तहकीक आपने पेश की उसका आने वाली जो तहकीक है हमारे मुस्तकबिल के अंदर उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसी तरह और बहुत सारे सवाल इंशाल्लाह हम आपसे लेंगे हमारे किसी अगले प्रोग्राम के अंदर। नाजरीन, आज का हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपने मेजबान शहबाज बनान को इजाजत दीजिए, देखते रहिए MM5 News। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अब्रेल अहमद, और मैं हूँ आपका मेज़बान शहबाज़ बना। नाज़रीन, एक पहले प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, रिसर्चर, राइटर राशिद इकबाल साहब मौजूद थे। उनके साथ हमने सूरह काफ़ पर मुस्तशरिकीन के हवाले से जो इतराज़ात थे उनके, और उनके ऊपर आपका जो रिसर्च वर्क और जो आपने उनके जवाब दिए उस पर हमने बातचीत की थी, लेकिन बहुत सारे सवाल जो हैं वो तश्नाए तकमील रह गए थे। आज हमने फिर जो है वो जनाब राशिद इकबाल साहब से वक्त लिया है। हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं राशिद इकबाल साहब के, जिन्होंने दोबारा हमारे ज्वाइन किया, और जो सवाल रह गए थे हमारे आज हम उन सवालों को जो है उन सवालों के जवाब जो है वो आप तक पहुँचाएंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं जनाब राशिद इकबाल साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम जी, इन अब्रे रहमत के अंदर आपको खुश आमदीद कहते हैं, और मैं बिला तमीज जो है वो अपना सिलसिला आगे शुरू करते हैं। तो जी, आपकी जो तहकीक थी उस तहकीक का जो मुस्तकबिल के अंदर होने वाली तहकीक है, खास तौर पर इस मौजू पर, उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? जी शहबाज भाई, इसमें जो हमारे रिसर्चर्स हैं और जो बेसिकली जो हमारे उलमा हैं उनके लिए मैं ये एक लाजमी बात करना चाहूँगा कि इस तहकीक ने एक बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलरशिप का विंडो ओपन किया है। जो हमारी बहर मुज़ार की जितनी भी दस्तावेजात के ऊपर तहकीक पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर की गई है उनके अंदर, तो यही वो वजह थी, बिलखसूस ये वजह थी जिसकी वजह से विद इन नो टाइम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम और ब्रिल्स वालों ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया था, क्योंकि ये प्रॉबेबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इस्लामिक रिस्पॉन्स था जो डेड सी स्कॉल्स के ऊपर किसी इस्लामिक स्कॉलर ने दिया था। तो इसकी जो जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो बहुत ज़्यादा इसकी विंडो जो है वो मौजूद है रिसर्च के लिए, और प्राइमरीली जो इस्लामिक रिस्पांस वो अभी तक डेड सी स्कॉल्स की किसी भी रिसर्च के अंदर कंसल्ट ही नहीं किया गया। तो जो हमारे ज्यू स्कॉलर्स हैं या क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने अभी तक डेड सी स्कॉल्स को अपनी दस्तावेजात समझा हुआ है, और वो ये समझते हैं कि शायद ये बाइबल से रिलेटेड है, और किसी हद तक मुसलमान उलमा भी इस बात में हक जानब है जब वो ये कहते हैं कि जी ये तो इसका ताल्लुक तो इस्लाम से नहीं है। जो मेरी तहकीक है जो खास तौर पे बिलखसूस सूरतुल कहफ के ऊपर है, उसके अंदर जब मैंने ये एक वाकियाती शहादत जिसको आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस और जो इंट्रिंसिक एविडेंस की बात करते हैं, या जिसको आप एक खास तौर के स्कॉलरशिप के अंदर मटेरियल एविडेंस की बात करते हैं, तो मैंने एक मटेरियल एविडेंस प्रॉबेबली फ्रॉम इस्लामिक स्कॉलरशिप पहली दफा डेड सी स्कॉल्स के स्कॉलर के सामने रखी है, जिसके अंदर सूरतुल कहफ के अंदर एक ऐसा जुमला मौजूद है जो अल्लाह ताला ने
कुरान के जरिए हम लोग को आगाह किया, जो डेट्स स्कॉलर्स में 1947 में जो बाइबल के स्कॉलर्स है उनको मिला। इस दो जुमलों के अंदर रत्ती बराबर का फर्क नहीं है। ये बहुत बड़ी एक एविडेंस है जिसके ऊपर वर्क करके हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मुसलमान स्कॉलर्स हैं, ये जो मुहक्किक है, वो इस डेट्स स्कॉलर्स के मौजू को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी पढ़े, इसको इस तरह ना समझे। अगर वो किताबों के अंदर देखते भी हैं या आर्टिकल्स को देखते हैं तो इसको इस तरह ना देखें कि शायद ये कोई ईसाइयों की रिवायत है या कोई यहूदियों की किताबें हैं जिनके ऊपर बातें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर आप इनको खंगालेंगे तो आपको कुरान पाक की कई ऐसी एविडेंसेस आपको मिलेंगी जिनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। जी जी राशिद साहब, अब देखें हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसा रुझान है, हमारे नौजवान बाहर की यूनिवर्सिटियों के अंदर भी जो है एमफिल या पीएचडी के लिए जा रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी अब जो है वो पीएचडी का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारा नौजवान तबका, उनके अंदर रिलीजियस जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हैं, दीगर स्टूडेंट्स भी हैं, तो रिसर्च वर्क जो लोग कर रहे हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो पीएचडी के थीसिस लिखते हैं या रिसर्च वर्क वगैरह करते हैं, उन नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, बड़ा अहम सवाल है। और मैं समझता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च स्कॉलरशिप, जितना मैं समझाऊंगा, जितना मैंने इसे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर देखा है, तो इनके जो मौजूदात हैं या जो इनके थीसिस हैं वो ऑर्थोडॉक्स नोयत के हैं, जो जिनके अंदर कोई जो ऐसा मॉडर्न रुझान नहीं पाया जाता। तो जैसे मैंने पिछले सवाल के अंदर जिक्र किया है कि अगर हमारे जो मुसलमान स्कॉलर्स हैं, जो एम फिल कर रहे हैं, जो पी एच डी कर रहे हैं, वो इसको डेट्स स्कॉलर्स की रिसर्च को उठाते हैं, और जिस तरह एक सिर्फ सूरतुल कहफ के अंदर मैंने जो इसके अंदर मटेरियल एविडेंसेस पेश किए हैं, इसी तरह जो हूर वाला कॉन्सेप्ट है, जो हवारीन वाला कॉन्सेप्ट है, वो मैंने लास्ट सफर के पेपर के अंदर पेश किया था, जिसके अंदर उनको मैंने ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जाके बताया था कि जो आप ये बात करते हैं कि डेट्स स्कॉलर्स के लोग जो है सफेद कपड़े में कपड़ों में मलबूस रहते थे, तो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारीन थे, ये जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर उनके लिए हवारीन का लफ्ज यूज किया, इसका एक और लघवी माना जो है वो हूर से निकला हुआ है, जिसका एक और माना ये होता है, एक तो हम जन्नत वाली हूर लेते हैं, तो दूसरा इसका माना ये है जो दवान हु इज वेयरिंग वाइट क्लोथ, एक ऐसा बंदा जिसने वाइट कपड़े पहने हुए हैं। तो ये अभी एक और एविडेंस थी बहुत बड़ी इसके ऊपर। अलामा असद ने भी आपने जो मैसेज ऑफ कुरान जो तफसीर है उसके अंदर इसके ऊपर जिक्र किया हुआ है। तो इस तरह के थोड़े थोड़े करके बहुत ज्यादा एविडेंसेज एक दिमाग एक होता है, लेकिन जब ये वाले लोग अपने रिसर्च वर्क के अंदर पीएचडी के अंदर इसको खंगालेंगे, पूरी दुनिया की लेटेस्ट रिसर्च को देखेंगे, तो मेरा ख्याल है इसमें जो इस्लामिक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा ओपन होगा, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि इसको ओनरशिप मिलेगी डेट्स स्कॉलर्स को मुसलमानों की तरफ से। मैं ये मतलब मशवरा देना चाहता हूँ, और मेरी ये एडवाइस है आपके प्रोग्राम के तवस्त के साथ, के जो मुसलमान स्कॉलर्स हैं जो अभी पीएचडी कर रहे हैं, जो एमफिल कर रहे हैं, बराए मेहरबानी इस तरफ भी तवज्जो मबजूल करवाएं, ऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट से हटें, जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं, मॉडर्न एक्विजिशंस हैं, मॉडर्न रिसर्च हो रही है, उसको भी मद्देनजर रखें और उसमें भी इसके अंदर एक्सेस करें। मेरे ख्याल में तो राशिद साहब, यूनिवर्सिटीज को जो रिसर्च पेपर्स देते हैं स्टूडेंट्स को, तो उसके अंदर भी अमेंडमेंट की जरूरत है कि इस किस्म के टॉपिक रखे जाएं, ताकि जदीद रिसर्च जो है इस्लाम के ऊपर, इसके ऊपर करने में लोग जो इतराजात करते हैं उनके भी जवाब दिए जा सके। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल शहबाज, आपने बड़ा ही अहम जो है ना डायरेक्शन है वो उसकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है। और मैं जो हमारे, अगर ये प्रोग्राम देखने वाले हमारे प्रोफेसर हजरात हैं जो इस्लामिक रिसर्च के अंदर या कंपैरेटिव रिलीजन के अंदर हैं, मैं उनको भी एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि बराए मेहरबानी अपने स्टूडेंट्स की तरफ भी तवज्जो दें, उनसे थीसिस की गाइडेंस जो है उसके अंदर इन चीज़ों को लेकर आए। क्योंकि मेरे पिछले प्रोग्राम में शायद आपने इस चीज़ का जिक्र किया था कि जो हमारा कंपैरेटिव रिलीजन के अंदर, इस्लाम के अंदर जो काम यूरोप के अंदर हो रहा है, उसमें उन लोगों ने आपको बिल्कुल भी थोड़ी सारी मासा सारी भी रियायत नहीं दी हुई है। वो जहाँ पे भी आपको कोई वीकेंड देखते हैं या जहाँ पे आपकी एकेडमिक वो नक्त लगा देते हैं, और तो मैं ये लाजमी जो हमारे प्रोफेसर हैं या जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इस्लामिक रिसर्च के अंदर पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, मैं उनको लाजमी कहूँगा कि डेट्स स्कॉलर्स को बिलखसूस और जो फाइव प्रॉन्ग जुक्स्टापोजिशन अप्रोच है इसके अंदर आप जो है ना इसको वो इसके ऊपर तवज्जो दें। एक हल्का सा मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, एक बहुत बड़ा नाम है, इल्मी नाम है इस्लामिक रिसर्च के अंदर पाकिस्तान के अंदर, चौधरी मोहम्मद अकरम साहब हैं जो वाइस चांसलर दो बार रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ
सरगोधा के, जी तो बिल्कुल वो कंपैरेटिव रिलीजन, हाँ कंपैरेटिव स्टडीज के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो कुरान के ऊपर एक रिसर्च की, तो उन्होंने भी अपने तौर के ऊपर जो डेड सी जो सूरह कहफ है इसके ऊपर मेरे वाली रिसर्च तक पहुंच गए, और फिर उन्होंने उस किताब के अंदर इसका जिक्र भी किया। तो बात करने का मकसद यह है कि जो हमारे इस फील्ड के अंदर बैठे हुए एक्सपर्ट्स, उनका काम है कि जो नए आने वाले हैं उनकी भी रहनमाई करें, और लेटेस्ट मजामीन, लेटेस्ट एक्विजिशंस, लेटेस्ट जो रिसर्च चल रही है उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करें। राज साहब, यकीनन मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये लेना चाहूंगा कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो अगर आपकी हेल्प की या रहनमाई की जरूरत पड़ेगी, तो क्या आप ऐसे नौजवान स्टूडेंट्स को वो रहनमाई और हेल्प फ्राहम कर सकते हैं अपनी तरफ से? जी शहबाज भाई, इसमें मेरे से ऑलरेडी कनाडा से भी लोग इन कॉन्टेक्ट है, जहां जहां पे रिसर्च जाती है या जहां जहां पे जो इसके अंदर वो काम कर रहे हैं, और लोगों को पता चल जाता है कि डेड सी स्क्रॉल्स के ऊपर अभी दो मेरी बुक्स भी हैं अमेजोन के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो मेरे पास ईमेल के जरिए लोगों का रब्ता रहता है। तो मैं अगर मेरे साथ कोई रब्ता करना भी चाहता है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। इसमें तो बड़े के बल्कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होगी कि अगर हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स या जो हमारे जो पढ़े लिखे दिमाग हैं वो इस तरफ तवज्जो देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बिल जो इस्लाम जो इस्लामियात पढ़ने वाले उलमा है उन्हीं तक ये सब्जेक्ट मुकैद है, इसकी जो वेन्यू है या जिसके फील्ड है ये जनरल इंटरेस्ट वाले जो मुसलमान हैं उनके लिए भी है। तो एनी टाइम आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मेरे जो रेफरेंसेज हैं वो बेशक आप मेरा जो है ईमेल भी इधर यहाँ पे चला सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, सो दैट अगर कोई मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहे तो लाजमी मैं, ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात होगी। जी राम साहब, राज साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। नाजरीन, जदीद इस्लामिक रिसर्च के ऊपर जो है, अगर आपको किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो आप हमारे थ्रू रब्ता कर सकते हैं राशिद इकबाल साहब के। इसके साथ ही हमारे आज का टाइम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान शहबाज़ ज़नान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए MM5 News।